नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आपके लिए दो बड़ी धमाकेदार खबरें हैं, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीति की खबरों की चर्चा कर लेते हैं। एक कोल्हान से है और दूसरा संथाल से। आपको पता हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम आज संथाल में था। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमलाल मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में पहुंचे। उनकी ओर से कहा गया कि इनविटेशन आया था सभी पूर्व सांसदों को, लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है कि जब वो बैठे हुए थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजय हंसदा, जो कि जेएमएम के सांसद हैं, उनको कहा कि जाके हेमलाल मुर्मू जी को बुला लीजिए, कुछ बातचीत करनी है। उस वक्त बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस जाने के विकल्पों को तलाश रहे हैं, और जो दो सीटें जिस पे उनका फोकस है, एक है महेशपुर और दूसरा बोरियो। बोरियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर हेमलाल मुर्मू शामिल हुए तो उन्हें बोरियो से लड़ाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लॉबिन हेम्ब्रम बोरियो के विधायक हैं और उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया और जो भी कुछ बयान दिए उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे नाराज़ है। तो लॉबिन हेम्ब्रम के विकल्प के रूप में हेमलाल मुर्मू की ओर पासा फेंका जा रहा है, और शायद, अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, प्री मैच्योर होगा ये कहना, लेकिन शायद हेमलाल मुर्मू भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातचीत करने को इच्छुक हैं। ये तो हो गई संथाल की बात। अगर कोल्हान की बात करें तो अभी नगर निगम चुनाव के डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कब चुनाव होगा ये भी इस बात का भी पता नहीं चला है कि रिजर्वेशन कैसा होगा, किस पे एसटी लड़ेगा, किस पे ओबीसी लड़ेगा, किस पे महिला लड़ेगी, किस पे पुरुष लड़ेगा। लेकिन मानगो नगर निगम क्षेत्र से बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है, और जब पत्रकारों ने बन्ना गुप्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए जो जमशेदपुर, जो मानगो क्षेत्र का काम है, मानगो क्षेत्र की जनता है, उनकी सेवा मेरी पत्नी करेंगी। पत्रकारों ने पूछा कि अभी तो तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, तो बन्ना गुप्ता ने कहा जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ऐलान भी हो ही जाएगा। तो ये तो थी राजनीतिक खबरें। अगर जो जांच चल रही है उन खबरों की बात करें तो विष्णु अग्रवाल से पूछताछ चल रही है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त रात के 8:15 हैं, इस वक्त तक विष्णु अग्रवाल ईडी के दफ्तर में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो कुछ ये प्रकरण चला, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन जारी हुआ, हमें जो अभी अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भी जारी कर दिया गया है, और 17 तारीख को उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। 15 तारीख को झारखंड का स्थापना दिवस है, ये सारे कार्यक्रम से निपटने के बाद उन्हें बुलाया गया है। हालांकि अभी ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, जब तक हमें पुष्ट जानकारी नहीं मिल जाती इस बारे में नहीं कहना है, लेकिन 17 तारीख वो प्रोबेबल डेट है जिसमें हेमंत सोरेन को फिर से ईडी ने बुलाया है, दूसरा समन जारी किया है। तीसरी एक बड़ी खबर यह है कि एक शख्स हैं झाजी, शायद अखिलेश झा नाम है, वो पहले होटल एमराल्ड में काम करते थे, उसके बाद प्रेम प्रकाश ने उन्हें कहा कि तुम्हें यहाँ कितना मिलता है, तो उन्होंने कहा कि भैया 17,000 मिलता है, तुम मेरे साथ काम करो, ज़्यादा पैसे दूंगा, दुगना दूंगा, शायद 40,000 पे वो प्रेम प्रकाश जी के यहाँ काम कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जो हमें अब तक की जो जानकारी मिले उसके अनुसार अखिलेश झा ने जो पूछताछ में बताया है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरा काम पैसे पहुंचाना था, और अखिलेश झा का क्लू मिला जो पूजा सिंगल के जो सीए हैं सुमन कुमार, उनके यहाँ जब छापेमारी हुई उससे। तो ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, आने वाले दिनों में इनके बयान पर भी चर्चा होगी जो इन्होंने ईडी के समक्ष दिया है, और हो सकता है कि कुछ और बड़ी खबरें
आपके लिए इंतज़ार कर रही है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।